सदगुरु तो इतना गुप्त पाठ बजाता है कि लोग उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। और बाबा एक बात पूछना था, बाबा यज्ञ के आज में 300-400 कन्या माताएं प्रजापिता के पीछे भागी थी, तो उनमें से बाबा अभी कोई कोई तो जीवित जरूर होगी, हो तो वो बाबा अभी क्यों वो प्रजापिता के पाठ को स्वीकार नहीं कर रही है? वो लज्जा के कारण, क्योंकि ये धोती घाट पहले भी खुला था और अभी भी चल रहा है, उसी कारण कि और कुछ? संसार में मान मर्तबा ब्रह्मा कुमारियों का है या जिनको उन्होंने शंकर पार्टी घोषित कर रखा है उनका मान मर्तबा ज्यादा है? तो जिनका मान मर्तबा ज्यादा है उस मान मर्तबे के आधार पर खाने के लिए 36 प्रकार के भोजन मुहैया है, पहनने के लिए लकलके कपड़े मुहैया हैं, रहने के लिए बड़े बड़े महल मानिया अटारियां मुहैया हैं, सोफा सेट मुहैया हैं, गाड़ियां मुहैया हैं, नई नई, तो कैसे माने तुम्हारी बात? अरे दुनिया के जो सन्यासी हैं, जो रंगे हुए वस्त्र पहन करके दिखावा करते हैं कि हम भगवान के रंग में रंगे हुए हैं, वो मान मर्तबा छोड़ पाते हैं दुनिया का? अपनी ड्रेस को छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उनका फाउंडेशन डालने वाले, उनकी रिहर्सल करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में कोई होंगे या नहीं होंगे? कौन है? हाँ जी, तो हर पूजा और अनुष्ठान में पंचामृत का इस्तेमाल होता है, तो वेद के पंचामृत क्या पंच ब्रह्मा है जो दो संख्या मिलकर एक हो जाएगी? पंच अमृत कहा जाता है, पंचामृत उसमें एक अमृत है शहद, शहद की मक्खियों से निकाला जाता है, जो मक्खियां प्योरिटी की पावर से ऐसी यूनिटी का घर बनाती है कि एक एक छेद में एक ही अंडा होता है, परंतु उसकी पालना अनेक मक्खियां मिलकर के करती हैं। छोटे से मक्खी के छत्ते में हजारों हजार पलती है, जगह छोटी सी है फिर भी कितनी इकट्ठी होकर के रहती है। कहते हैं स्थान कम पड़ सकता है बड़े घर वाले का, क्योंकि उनके दिल में जगह नहीं होती है, और जिनके दिल में जगह होती है, जिनका दिल सच्चा होता है, दिल बड़ा होता है, छोटा घर होने पर भी घर बहुत बड़ा महसूस होता है। तो ये शहद की मक्खियों का मिसाल है, वो शहद की मक्खियों की मूल है उनकी रानी, जो मुरली में बोला है एक मक्खी जाती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है।
वो शहद की मक्खियों का झाड़ सारा का सारा मनारा उड़ेगा। तो गीता ज्ञान का माहौल नहीं रहेगा। गीता ज्ञान सुनने के लिए इक्का दुक्का लोग जाते हैं। जब वो मक्खियां भागती हैं, जिसकी यादगार भागवत बनी हुई है, ढेर की ढेर मक्खियां भागी तो भागवत बन गई। जहां भागवत की कथा होती है वहां एक दो होते हैं कि लाखों इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। कहां की यादगार? संगम युग में प्रैक्टिकल में ये यादगार बनती है। ये शहद की मक्खियां जो शहद उगलने वाली है, मीठाई मीठा उगलने वाली है, हर दवाई में वो शहद काम आता है। दवाई काम नहीं करती है, दवाई देने वाले का प्यार काम कर जाता है, दुआ काम कर जाती है। दूध घी दही शिक्षा शुरू किया था। तो जो शहद है वो अमृत है पहले नंबर का। रुद्रमाला का ज्ञान सफल नहीं होता है, वो शहद सफलता प्राप्त करा देता है। ज्ञान है दवाई डिफेक्टेड आत्मा की, वो दवाई काम नहीं करती है। रुद्रमाला के मन के इस बात के अनुभवी है। कितनी ज्ञान की टेबलेट्स मिल रही है, कितने ज्ञान के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। दवाई काम कर रही है? मर्ज बढ़ता गया ज्यो ज्यो दवा की। आज की दुनिया में भी क्या हो रहा है? दवाइयां बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, और मर्ज भी बढ़ते जा रहे हैं। नई नई बीमारियां पैदा होती हैं जिनकी दवाइयां ही नहीं मिलती हैं। यहां भी ऐसे है, पहले प्रश्न नहीं पैदा होते थे ब्राह्मणों की सभा में, बड़े प्यार से बैठ करके सुनते थे। अभी ढेर के ढेर रावण के सिर उगलते चले जा रहे हैं। एक सर काटो दसियों सर पैदा हो जाते हैं। रक्त बीज का मिसाल दिया जाता है शास्त्रों में। एक संकल्पों की बूंद गिरता है तो उससे हजारों संकल्प पैदा हो जाते हैं। बीमारी खत्म ही नहीं हो रही है। तो पहला पहला वो अमृत निकलता है, शहद, फिर दूसरा दूध। गाय होती है, भैंस और बकरी का दूध नहीं काम में आता है। क्या? गाय का दूध काम में आता है। भैंस का दूध भैंस बुद्धि बनाएगा। देश के नाली में ढेर के ढेर भैंस बुद्धि बने पड़े हैं। बुद्धि चलती ही नहीं,
बकरी का दूध भी काम में नहीं आता, महात्मा गांधी को काम में आता होगा। हदका गांधी का हो और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया का, बेहदका गांधी का हो, वो बकरी का दूध बहुत पीते थे, परंतु फायदा नहीं होता है। गाय का दूध काम में आता है। गायें भी दो प्रकार की होती है, कहो के तीन प्रकार की होती है। एक है विदेशी गौएं और एक है स्वदेशी गौएं। विदेशी गौएं दूध तो बहुत देती है, ज्यादा दूध देती है, कम देती है? ज्यादा दूध देती है। ज्ञान बड़ा बढ़िया बढ़िया सुनाएंगी, ढेर का ढेर ज्ञान सुनाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जीरो। उनको भारत में बहेल गैया कहा जाता है। विदेशी कन्याएं माताएं होती है ना, उनमें अब व्यभिचार पनपता है या व्यभिचार? व्यभिचार पनपता है। और स्वदेशी गैयों में अब व्यभिचारी, माँ बाप के कंट्रोल में रहने वाली होती है। माँ बाप के साए से भी जब अलग होती है तो एक खूंटे से बंद करके रहती है सारा जीवन। उनको गैया कहा जाता है। ये भारत की गौएं बहुत विख्यात हैं, क्योंकि उनके दूध से वो भगवान का प्रसाद बनता है। जो पंचामृत कहा जाता है, दूध और उसी दूध से बनाया हुआ दही। दूध और दही में क्या अंतर है? हैं? दूध होता है लिक्विड और दही जमा दिया जाता है। दही जमाया जाता है। तो जो गौओं का दूध है, ज्ञान दूध है, उसमें इतनी ठंडास पैदा की जाए कि वो जाम हो जाए। बिलौने मात्र से मक्खन निकले, वो मक्खन भी काम आता है, वो दही भी काम आता है। दूध, दही और घृत, ये तीनों चीजें काम में आती हैं। है? हाँ, गुड़ नहीं, मिश्री कहो, मिश्री शुद्ध है। और चीनी में तो आजकल पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है। तो उसे पंचामृत कहते हैं। पांच प्रकार का अमृत है, वो मिक्स होने से भगवान का प्रसाद बनता है, पीने योग्य। जो पेय है उसमें पंचामृत श्रेष्ठ माना जाता है। पेय भोजन को पचाता है। पेय है ज्ञान जल को भी परिपक्व बनाता है।
अभी तो रुद्रमाला में परसेंटेज विदेशी गेहूं की ज्यादा है या स्वदेशी गेहूं की ज्यादा परसेंटेज है? सूर्यवंशी 10%, और विदेशी 80% विधर्मी, चंद्रवंशी भी 10%, लेकिन वो विदेशियों से पूरे प्रभावित, जैसे ब्रह्मा की गोद में सभी विदेशियों ने पालना ली, वैसे उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद में भी सारे विदेशी दुनिया के पलने वाले हैं। तो 90% हो जाती है विदेशी गऊ। जो चंद्रवंशी हैं वो भी विदेश में, विदेशियों के चुंगल में फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, मिस इंडिया है तो मिस इंडिया को भारत में रहना चाहिए, विदेशों में क्यों धक्के खाती है? विदेशियों के पंजे में क्यों फंसी हुई है? भारत माता को भारत की सेवा करनी चाहिए, भारतवासियों की सेवा करनी चाहिए या विदेशियों की सेवा करनी चाहिए? भारतवासियों की सेवा करनी चाहिए। तो चंद्रवंशी गऊएं भी जैसे कि विदेशी बनी पड़ी है। तो पंचामृत कैसे तैयार होगा, क्या करेंगे है? बाबा ने तो तरीका बता दिया, व्यक्त बाप दादा ने, विजय माला का आवाहन करो, आवाहन करो, माना ही स्वदेश में नहीं है, कहाँ है? विदेश में रही पड़े हैं। वैसे भी देखा जाए कि भारत के जो अच्छे अच्छे सेवादारी हैं वो विदेशों में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, भारत की सेवा को छोड़ते जा रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार विदेशों में भेजे जा रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है, जो अच्छी अच्छी चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारियां हैं कहाँ सेवा कर रही है? विदेशों में सेवा कर रही है। अभी उनका आवाहन करो, उन गइयों का आवाहन करेंगे भारतवासी गऊओं का, तो भारत की सेवा करेंगे, उनसे पंचामृत तैयार होगा, वो अमृत पी करके अमर देवताएं बनेंगे। नहीं तो बहेल गऊएं भारत में बहुत घुसी पड़ी है। देखा होगा पहले तो हिप्पियों के रूप में कितने देखने में आते थे, अभी तो उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है। और अष्टदेव, हाँ आकाश।
है आकाश और बात का रूप है। हाँ जी हाँ जी है लास्ट क्या हाँ अरे भारतवर्ष में जल देवता के रूप में पूजा होती है कि नहीं? वरुण देव की पूजा सुनी है? वो पानी कहाँ से आता है? बरसात होती है? टीवी तो सब आजकल देख रहे हैं खूब है, तो वरुण देवता हा करता है, ढेर सारा पानी निकल पड़ता है। तो कौन सा पानी है? ज्ञान जल है। हाँ जी, और है हाँ? वासुकी तो नाग है, वसु वासुदेव वासुकी एकमात्रा फॉलोअर के अर्थ में अथवा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। और है हाँ, वसु कौन है? वसुदेव कौन है? धन संपत्ति देने वाली आत्मा बाबा नहीं कहो, आत्मा पूछ रहे हैं। कौन सी आत्मा है जो ज्ञान धन देती है? बाबा नहीं, बाबा साकार को कहा जाता है। बाबा नहीं देने वाला है ज्ञान धन, बाबा है तो ढेर के ढेर हुए हैं। हाँ बाबा, फिर बाबा मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। मेरी आत्मा का नाम शिव कभी बदलता नहीं है, मेरे बिंदु का ही नाम शिव है। वो है वसु। भगवान आता है तो हमको क्या देता है? हीरे जवाहरात देता है क्या? नहीं। कौन सा वर्षा देता है? सत्युग त्रेता स्वर्ग हमारे हाथ में रख देता है क्या? नहीं। क्या देता है? मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। मुरली माने जो मोड़ ली जाती है, वो मोड़ने की ताकत मोल्डिंग पावर वाले में ही होती है, दूसरे में नहीं होती है। जो ज्ञानी है उसी में मोल्डिंग पावर होती है। ज्ञान अग्नि कहा जाता है, योग अग्नि कहा जाता है। उस अग्नि में ही मोल्डिंग पावर होती है। सोने को, चांदी को, लोहे को अग्नि क्या करती है? मोल्ड कर देती है। तो भगवान ज्ञान धन देता है, ज्ञान ही भगवान का रूप है। ज्ञान कहे का सत्य का ज्ञान, सत्य कहो ज्ञान कहो बात एक ही है। तो वो वसुदेव है। क्या देने वाला देव है? वसु, धन संपत्ति देने वाला है। और उसका पहला पहला बच्चा कौन है? वासुदेव। वासुदेव वो स्वर्ग में है या नरक में है? नरक में है या रौरव नरक में है?
है, हरारा नरक में है। कैसे? बाप कहते हैं मैं जिस तन में आता हूँ उस तन के द्वारा धोबी का भी पार्ट बजाता हूँ, मैं धोबी हूँ, धोबी घाट पर कपड़ों को ले जाता है, जब धोता है तो अंदर से क्या आवाज निकलती है, छी हो राम, कैसे घोर नरक में पड़ा हुआ है। तो वसु का बच्चा वासुदेव है, जेल में है या स्वतंत्र है? है जेल में है, कपड़े कपड़े छोड़ के भागना चाहे, घाट छोड़ के भाग जाए तो भाग सकता है? है नहीं भाग सकता, तो जेल में है, उस जेल में रहने वाले वासुदेव के लिए शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण वाली आत्मा को अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके यमुना के पार ले गया। ये यमुना नदी का भी पार्ट चला है, एडवांस के आदि में बेसिक के आदि में भी पार्ट चला था। यमुना नदी को तब भी क्रॉस किया था और एडवांस के आदि में भी यमुना नदी को क्रॉस किया। यमुना ने तो डुबोना चाहा, ओ वो इन कन्याओं से पूछना, इनको ज्यादा मालूम है, इनको भी मालूम नहीं है, इनको मालूम है, बहुतों को मालूम, जो उनको नहीं मालूम है तो उनकी मोटी बुद्धि है। यमुना नदी ने वासुदेव को डुबाना चाहा, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, अपना बुद्ध रूपी पांव नीचे लटका दिया तो वासुदेव डूबने से बच गया। नहीं तो नदियां जब बाढ़ पे आती हैं तो बड़े बड़े ज्ञानियों को डुबो देती हैं। क्या जब बाढ़ आती है नदियों में तो देह अभिमानी की मिट्टी ज्यादा होती है, पानी स्वच्छ होता है या पानी मटमैला होता है? ऐसा मटमैला पानी होता है चाहे कितना भी बड़े से बड़ा ज्ञानी हो वो भी अंधा हो जाता है। इसलिए कहते हैं काम अंधकार, इस काम की आस पूरी न हो तो क्रोध अंधकार। तो वसु का बच्चा वासुदेव याद का अब तक तीव्रता नहीं हो पाती है तो धर्मराज का सदस्य होगा या प्रकृति का प्रकोप से होगा? प्रकृति का प्रकोप जब होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिसमें दुनिया की ज्यादा परसेंटेज की पब्लिक रह रही है वो बिल्डिंगें ऊंची ऊंची गिरेंगी, कोई की टांग दबेगी, कोई का हाथ दबेगा, कोई का सर दबेगा, कोई का धड़ दबेगा, निकालने वाला कोई होगा नहीं, और चिल्लाते रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे, प्यास लगेगी पानी की बूंद नहीं, भूख लगेगी भोजन नहीं, टट्टी पेशाब वही कर रहे हैं,
तो और सजाएं भोगनी है क्या? गरुड़ पुराण में जो सजाएं दिखाई गई है, भयंकर भयंकर सजाएं दिखाई गई है। मगध देश, मगध देश भारत का वो हिस्सा है जो गंगा यमुना द्वाबा के बीच में है, उन्हें मगध कहा जाता है, जो मगध देश में रहते हैं। वहां मगरमच्छ सदृश पैदा होते हैं, जो मगरमच्छ छोटी बड़ी मछलियों को यूं ही खा जाते हैं। वो मगरमच्छों का देश है, सारे भारत को मगध देश नहीं कहा जाता। और कृष्ण को दामोदर क्यों कहा जाता है? दाम माने धन संपत्ति और उदर माने पेट, तो संपूर्ण कृष्ण को दामोदर कहा जाता है। संगम युगी कृष्ण को दामोदर कहा जाता है, और एडवांस में जो संगम युगी कृष्ण है वो दामोदर कहा जाता है, या बेसिक में कृष्ण को दामोदर कहा जाता है? दाम माने धन संपत्ति, दाम माने पैसा टका, और उदर माने पेट, जिसके बुद्ध रूपी पेट में ढेर के ढेर धन संपत्ति दबी दरी रखी पड़ी है, उसको कहा जाता है दामोदर। हाँ जी बाबा, को पीताम्बर भी क्यों कहते हैं कृष्ण को? पीताम्बर जो पीला रंग है वो कौन सी ऋतु होती है? जिस ऋतु में चारों ओर पीला 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 नजर आता है, खुशबू ही खुशबू फूलों की, बसंत ऋतु। और कृष्ण के जीवन में वो बसंत ऋतु सबसे पहले आती है। जो बेहद का संगम युगी कृष्ण है वो बेहद की संगम युग में बसंत ऋतु को अनुभव करता है, खुशबू ही खुशबू, नजदीक में बदबू आ नहीं सकती। पवित्र आत्मा होगी तो पवित्रों का ही संग मिलेगा, अपवित्र आत्मा को अपवित्र का संग मिलता है। इसलिए कृष्ण को पीताम्बरधारी कहते हैं। सीढ़ी के चित्र में भी सतयुग को कौन से रंग में दिखाया गया है? पीले रंग में दिखाया जाता है। ये परिपूर्ण ऋतु है, जिस ऋतु में चारों ओर खुशबुएं ही खुशबुएं भरी रहती है। शेष इंद्रिया आंखों के सामने पीले पीले फूल नजर आते हैं, शेष ज्ञान इंद्रिय नाक दिव्य गुणों की खुशबू ही खुशबू अनुभव करती है, और कानों में जो अच्छे अच्छे पक्षी हैं, अच्छे अच्छे भौरे हैं, उनकी गुनगुनाहट ही कानों में सुनाई पड़ती है। और
बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। बाप तो निष्पाप है हाँ, और राम बाप तो क्षेत्र से निर्विकारी बुद्धि बन चुका है, बन चुका है निर्विकारी बुद्धि, इसलिए तो नारायण प्रकट कर निर्विकारी बुद्धि बन चुका है, क्षेत्र से भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाता है ना। हाँ, भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाता है, लेकिन शूटिंग होती है या नहीं होती है? जब शूटिंग होती है तो सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो चार अवस्थाओं से पसार होना होता है हर आत्मा को, या राम की आत्मा अलग हो जाती है? बस हाँ 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 शीतला थोड़ा ही काली बनती है, जो शीतल है उसकी इंद्रियां कैसी होंगी? वो तो शीतल इंद्रियों वाली होगी, शीतल इंद्रियों वाली गर्म इंद्रियों वाली नहीं बन सकती क्या? जो गौरी है वो गौरी है, जो काली है वो काली है। कोई दुनिया में सबसे जास्ती काला पार्ट बजाने वाली भी है, कोई दुनिया में सबसे गोरा पार्ट बजाने वाली भी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि महाकाली सबसे जास्ती गौरी बनती है, नहीं, महाकाली का पार्ट अलग, महागौरी का पार्ट अलग, इसलिए दो यादगार हैं। कुमारी कन्या और अधर कुमारी, अर्ध कुमारी। यज्ञ की आदि में दादा लक्ष्मण ज्ञान से प्रभावित अपनी छोटी बहन अपनी बहन से हुई थी, तो बाबा शरीर छोड़ने के बाद उनको उन्हीं बहन के शरीर में प्रवेश करना चाहिए था, परंतु उनमें प्रवेश ना करके जगदम्बा में प्रवेश क्यों किया बाबा? है हिसाब किताब प्रभावित होने का, ज्यादा छोटी माँ से बना या लंबे समय तक बड़ी माँ से प्रभावित होने का पार्ट बजा, किसके डायरेक्शन पर चलते रहे? है हाँ। और अर्जुन के डर से किए हैं कि अर्जुन डर से किए हैं कि श्रीखंड के देख के किए अर्जुन के डर से किया और श्रीखंडी के डर से देखने का सर माने बाण, जो बाण थे वो अर्जुन के बाण थे या शिखंडी के बाण थे? बाण तो अर्जुन के थे, शिखंडी तो सामने खड़ा कर दिया था दिखाने के लिए, ताकि अगर भीष्म पितामह बाण मारे तो किसको लगे? शिखंडी को लगे। वो कन्या थी, तो सन्यासी कन्याओं की देवियों के रूप में पूजा करते हैं, उन पवित्र कन्याओं को सन्यासी बाण नहीं मार सकते,
इसलिए उन्होंने खुशी खुशी अर्जुन के बाणों को स्वीकार कर लिया। मन में संकल्प विकल्प चलते हैं ना, तो मन का मौन नहीं कहेंगे, संकल्प विकल्प चलना ही बंद हो जाए। जय विद राखे राम ताई विद रहिए। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मन करता है कि नाक आंख कान करते हैं, मन करता है। तो ऐसी स्टेज प्राप्त कर ले कि अब हमें कोई इच्छा नहीं करनी है, जैसे बाबा चलाएगा वैसे ही चलेंगे। बाबा भी याद करेंगे। चलाने की बात है, याद करने की बात नहीं है। बाबा हमको जैसे चलाएगा, जैसे रखेगा, जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, जहां ले जाएगा वैसे चलेंगे। तब हो गया मन का मौन, मन चलाना बंद, मनमानी करना बंद, मनमत चलाना बंद। वो होगा मन का मौन। बाबा इस्लाम का बुर्का पहनना और हिंदू पर हिंदू का धर्म में जो कन्या माता है ओढ़नी पहनते हैं, पर पुरुष के सामने और बड़ों के सामने, तो उसमें कुछ सामंजस्य है या कुछ अलग इसका अर्थ निकलता है अपने अपने धर्म के अनुसार? इस्लामियों में जो बुर्का पहनने का रीति रस्म रिवाज चला है, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो यमुना का पाट बजाने वाली काली नदी है, जो महाकाली का भी फाउंडेशन डालने वाली है, वो काले कर्म करेगी, उसकी यादगार काला बुर्का है। इसलिए वो रुद्रमाला का इस्लाम धर्म से कनेक्टेड स्त्री चोले वाला मणका है और इस्लाम धर्म का मुख्य बीज रूप पुरुष चोले वाला मणका कार्तिकेय कहो, शुक्राचार्य कहो, वो है। जब इब्राहिम आता है तो कौन सी आत्मा है जिसका वो आधार लेता है? कौन से धर्म की होगी? इस्लाम धर्म में ही कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी, जो सतयुग में दूसरे पीढ़ी में सेकंड नारायण बनती है।
और उसको जन्म देने वाला बीज रूप बाप वही शुक्राचार्य है, और माता वही यमुना है, काली है। तो पहले पहले 33 करोड़ देवताओं में काली अर्थात पतित बनने वाली आत्मा कौन है? यमुना, क्योंकि जो इस्लामी होते हैं वो आत्माएं भले ज्ञान में आ जावे, चाहे बीज रूप हो चाहे आधार मूर्त हो, लेकिन ज्ञान में आने के बावजूद भी स्थूल इंद्रियों का विकार तो भले त्याग दे, सन्यासी है ना, तो ये बात बुद्धि में जल्दी बैठ जाती है इंद्रियों को कंट्रोल करना। लेकिन आंखों से व्यभिचार शुरू कर देते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा के जमाने से ही मुरली में कहीं नहीं बोला गया कि कन्याएं माताएं बैठ करके पुरुषों को दृष्टि दें, इसे योग कहा जाता है। परंतु कुमारका की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। तो उनको जन्म देने वाली जो बीज रूप आत्माएं हैं उनकी भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। इसलिए वो यमुना को काली नदी दिखाया गया है। इस्लाम धर्म में उसको फॉलो करने वाली स्त्रियां सिर से लेकर के एड़ी तक कौन से कपड़े पहनती है? काले कपड़े पहनती है। हैं? गंगा का बेहद सहज क्या? क्या हिंदू की माता कन्या की ओढ़नी लेती है और भगवान के सामने भी, बड़ों के सामने भी और पर पुरुष के सामने भी है? ओ अदुर्गा जी बोलते तो काली ओढ़नी तो नहीं पहनती, पीली ओढ़नी मोस्टली होती है ना। माना उनका शरीर रूपी वस्त्र मैला तो होता है द्वापर कलयुग में, देह अभिमान का वस्त्र तो पहनती है लेकिन इतना काला नहीं बनता है जितना इस्लामियों का बनता है, मुसलमानों का काला बनता है, है? वो मयूर वाहन सब होता है जब भगवान उनको पढ़ाता है। क्या मयूर वाहन कब बनता है? जब भगवान उनको पढ़ाई पढ़ाता है। और एक आदमी बोलो उसने ऐसा वरदान मांगा था कि 7 दिन 7 रात 1 रात हो गई थी। लक्ष्मण की शक्ति भेद हुआ था, लक्ष्मण शक्ति भेद जब हुआ था हाँ अरे जो 3 देवताएं हैं
ब्रह्मा विष्णु शंकर वो तीनों देवताएं कभी तमो प्रधान बनते हैं है? बनते हैं और उन तीनों देवताओं की तमो प्रधानता से ही सात नारायणों का जन्म होता है। जो सात नारायण गिरति कला वाले हैं, नहीं तो उड़ती कला वाले दो ही नारायण हैं। कौन कौन है? हाँ, राम और कृष्ण वाली आत्माएं। तो जो सात नारायण हैं, वो सप्तऋषियों के रूप में दिखाए जाते हैं। उन्हें सप्तऋषियों में सबस ऋषि कहा जाता है पवित्र को। तो सातों ऋषि नंबर वार पवित्र होंगे या एक जैसे पवित्र होंगे? और इन सातों ऋषियों में सबसे जास्ती पवित्र कौन होगा? पहला नंबर, पहला नंबर। हाँ जी, उनका नाम ही है अत्री। क्या? आ माने नहीं, अत्री माने तीन। उन तीन में से कोई नहीं है। हाँ जी, तो जो तीन में से कोई नहीं है उसका नाम पड़ा है अत्रिषि। उनकी जो रचना है कौन है? कौन है उनकी रचना? अरे नहीं, अनुसार अत्रि जो तीन नहीं है, तीन से परे है, उनकी रचना त्रि। उसकी रचना है त्रि। स्त्री ना कहो, स्त्री कहो। उनकी रचना है अनुसुईया। पहली पहली रचना पत्नी होती है ना, तो रचना में ज्यादा पावर होती है पवित्रता की या रचयिता में ज्यादा पावर होती है? है, रचयिता में ज्यादा पावर होती है। लेकिन वो जो रचयिता है अत्रि, वो सप्तऋषियों से श्रेष्ठ है। ऋषि कहा जाता है पवित्र को। लेकिन जितने भी पवित्र आत्माएं हैं, उन पवित्र आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ ऋषि है। हाँ जी, मूर्ति का छोटा बच्चा बनाकर रखते हैं। अनुसुईया को नहीं रखते, अनुसुईया तीन देवता को अपना बच्चा बना के रखती है। हाँ जी, तीन से भी श्रेष्ठ है अत्रि। वो तो एक जैसे ऋषियों के बीच शिव बाबा हो गया। वो तीन नहीं है, त्रिमूर्ति शिव नहीं है, वो वास्तव में शिव ही है। उसकी पत्नी का नाम है अनुसुईया। वो अनुसुईया ही काशी नगरी है। काशी नगरी शंकर को बहुत प्रिय है। दिल्ली प्रिय नहीं है, विश्व का बादशाह है, दिल्ली को राजधानी बनाता है, लेकिन दिल्ली प्यारी नहीं है। क्या है? अनुसुईया ज्यादा प्यारी है, काशी नगरी ज्यादा प्यारी है। क्यों? नहीं, क्योंकि जो अत्रि है वो भी काश्य को पीने वाला है, तेज को पीने वाला है। उसका दूसरा नाम शास्त्रों में कश्यप भी है। क्या? पा माने पीने वाला, कश्य माने काश्य माने तेज, याद का तेज। याद के तेज से ही विश्व की बादशाही लेता है। तो किसको प्यार करेगा है? जो पवित्रता को पीने वाला है उसी को ज्यादा प्यार करेगा। तो रुद्रमाला के जो मणके हैं, उन मणकों में अत्रि जैसा तो एक हो गया,
स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और उनकी सहयोगिनी मणका कौन हुआ, उनके साथ ही रहने वाला मणका कौन सा हुआ, दूसरे नंबर का अष्टदेव, उसको कहे अनसुईया, उसको कहे काशी नगरी, अलग अलग नामों से नामांकित किया गया है। और बाबा क्या ये अर्थ हो सकता है जब एक धर्म जो अति सम प्रधान बन जाती है उससे एक दूसरा धर्म का जन्म होता है, जैसे देवी का धर्म जिसको जाना है वो जाए, देवी का धर्म सम प्रधान को जो पहुँचता है उससे चंद्रवंशी मतलब क्षत्रिय धर्म का उत्पन्न होता है, और क्षत्रिय धर्म जब समो को पहुँचता है जिससे इस्लाम धर्म जन्म होता है, क्या यही परिक्रिया है क्या नास्तिक का? सूर्यवंशी ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं तब जब भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है, और चंद्रवंशी ज्यादा तमो प्रधान तब बनते हैं जब भगवान इस सृष्टि पर आकर के साकार रूप धारण कर लेता है। ये अंतर पड़ जाता है। वह इस्लाम धर्म को जन्म देने वाला कौन निमित्त बनता है, उसको सूत्रपात, वो तो बीज है। कमजोर कौन है, सूर्यवंश या चंद्रवंश? चंद्रवंश है, चंद्रवंश कमजोर है। और यज्ञ के आदि में कमजोर कौन पड़ा? कमजोर पड़ गया, वही त्रेता में आकर के राम के रूप में गायन है, तो राम के बच्चे दो गाये हुए हैं, उनको कहते हैं लव और कुश। लव अफेयर सबसे जास्ती चलते हैं मुस्लिम धर्म में, और कुश है कांटा। ये क्रिश्चियन धर्म क्या है, ये भी कांटा है। तो नाम पड़ गया लव कुश। शंकर के दो बच्चों के रूप में भी ये गाए जाते हैं, कार्तिकेय और गणेश। ज्ञान क्रिश्चियंस में ज्यादा है या इस्लामियों में ज्यादा ज्ञान होता है? तो गणेश में ज्यादा ज्ञान है या कार्तिकेय में ज्यादा ज्ञान है? गणेश से ज्यादा ज्ञान। ओम शांति। भागने वाले बहुत हो गए हाँ जी।